हाय फ्रेंड्स, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:15 हो रहे हैं सुबह के, और हम रेडी कैसे हुए हैं प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम रेडी हो गए हैं कहीं जाने के लिए, और मैंने सोचा मैं कैमरा उठा लेती हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं जहाँ भी मतलब गई घूमने टहलने, आप सभी ने देखा ही, मैं मतलब कैमरा ऐसे उठा के ज़्यादा बात नहीं की हूँ। क्योंकि अगर कैमरा उठा के बात नहीं करो ना यार, तो फिर पूरा दिन मन नहीं करता है कैमरा उठाने का। ये होता है कि चलो पीछे से आवाज़ डाल देंगे, हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता है उतना वो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग आज यहीं से स्टार्ट कर दूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि नवरात्रि चल रही है, और आज है 8 तारीख और नवरात्रि चल रही है, तो इसलिए हमने सोचा मतलब देवी माँ के भी दर्शन कर लें नवरात्रि में। इससे अच्छा मतलब क्या हो सकता है। तो बस वहीं जाने की तैयारी है हमारी, बट कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अभी मैं चल रही हूँ अपना चाय पीने। आज मैंने बड़ी ग्लास में इसलिए लिया है क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाए, क्योंकि हमें निकलना है 8:20 पे ही निकलना है हमें, तो इसीलिए 5 मिनट का टाइम है। तो चलिए मैं आप सभी से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। यार कितनी गर्मी है यार, पसीना बहुत हो गया है, आप सभी देख सकते हो, नहाया धोया लग ही नहीं रहा है। और जबकि मैं 7 बजे ही नहा ली थी, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है कि नहाई हूँ मैं। तो चलिए आप सभी से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ मैं। अच्छा ठीक, शेर वाले साहब आता है ये। आओ हम लोग सभी से बंद है वो, कब बंद थी ये भी बंद होगा। हाँ घुमाओ बस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, हम अपने घर से निकल चुके हैं और टैक्सी में बैठ चुके हैं, और अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन से मतलब ट्रेन से जाएंगे वहाँ पर, और ये मैंने कुछ स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया हुआ है। आप सभी बताइएगा आप सभी को मेरी स्टाइल कैसी लग रही है। मुझे तो सच में बहुत ही कॉमेडियन लग रही है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप सभी को, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं रख ही नहीं पाती हूँ। हम जा रहे हैं श्री मुंबा देवी मंदिर के दर्शन करने, जो कि मुंबई में है। और जब हम मरीन लाइन स्टेशन पर उतरे ना ट्रेन से, तो फिर हमें कोई टैक्सी ही नहीं मिली, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो सारी टैक्सी जो है ऑफिस लाइन और ये सभी शेयर मार्केट्स में चली जाती हैं। तो यहाँ के लिए हमें कोई टैक्सी नहीं मिली, तो हमें अपने दोनों पैर ही टैक्सी बनाने पड़े और हम पैदल ही निकल गए। और सच में यार थके तो बहुत ही ज़्यादा थे, आप सभी को आगे और वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन सच में इतने थक गए थे पैदल चलते चलते। और मतलब मैं बता दूँ कि मैं ज़्यादा चलती नहीं हूँ, मैं तो आप सभी देखते ही हैं घर पर ही रहती हूँ, ज़्यादा करके बाहर निकलती नहीं हूँ। इसीलिए जब कभी भी निकलती हूँ तो इतना ज़्यादा एक ही दिन में चल देती हूँ ना, कि मुझे एकदम थकान लग जाती है। तो मुझे रास्ते में एक लोकल मार्केट दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाए, वो भी मुझे तो यहाँ पर देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस इसीलिए, और नवरात्रि में मतलब फैमिली का भी मन हुआ कि क्यों ना देवी जी के दर्शन करें, तो हम सभी पूरी फैमिली जो है वहाँ पर गए थे। तो चलिए आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिए। ना ही एक ऑटो, हाँ दो ऑटो है, ऑटो है टैक्सी ऑटो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हो यार, पहुंचने के बाद तो देवी जी के दर्शन तो मुझे लग रहे थे कि आज हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है 10,000 के अराउंड में जो है भक्तगण आए हुए थे यहाँ पर। सच में हम तो मतलब जब लाइन देखने लगे ना कि कहाँ मिल जाएगा कहाँ मिल जाएगा, हमें लास्ट में जब हम गए ना तो देखने को मिला जब, तो ये हुआ कि दर्शन नहीं करते हैं, यहीं से हाथ जोड़ के चलते हैं। फिर हमने सोचा नहीं नहीं इतनी दूर आए हैं और दर्शन ना करें तो अच्छा तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तो क्यों मन में रिग्रेट लेकर चलें। इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम तो वेट करना ही पड़ेगा, और 2 से 2.5 या 3 घंटे तक हमने वेट किया, फिर जाके हमें दर्शन मिले, और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और फिर अच्छा लगा हमें दर्शन करके भी।
और बहुत खुशी हुई सच में। और ये परिसर के अंदर तो उन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया हुआ था मंदिर के अंदर बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कैसे भी करके आप सभी के लिए रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा मैं अपनी वाईटी फैमिली को क्या दिखाऊंगी, कहेंगे कि दर्शन ही नहीं किए हो। तो बस अब हम घर को रिटर्न हो रहे हैं दर्शन करने के बाद, और बहुत ही कड़ाके की धूप थी यार, सच में बहुत ही ज़्यादा धूप था। तो आप सभी बताइएगा आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में, मैं आप सभी का इंतज़ार करूंगी, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगी। तो अब मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, तब मैं आप सभी को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।